पिछले साल भी अपने पंजाब में कणक जड़िया सन वह तैयार हो गई सन, तो बड़िया अग लगन न्यूज़ जी है वह अपन सुनने को मिली सी, आप बड़िया वीडियो भी वेखिया सन, तो ज़्यादा से ज़्यादा अग लगती बाई चांस सिगरट की वजह तो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भरा है वह सिगरट पीते हैं कणक की फसल में खलो तो बंदा पी लेंदा, उत्थे जरा बेध्यानी में खोखा जो सट जाता है, क्योंकि कणक पहले सुकिया होंगे ठीक है, उन्होंने जरा जरा जो धूं की लड़ है वह सारिया जल के राख हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम जो मैसेज अपना शेयर करना ताकि जरा अपना कोई भी किसान भरा जरा वह नुकसान तो बच जाए, तो बाखबर हो जाए सिगरट पीने वाले भी, तो बेध्यानी में किसी का नुकसान न कर जावन, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलीज़ा ऑफिशियल, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है स्पेशल व्लॉग हमारा गंदम के रेट पे जो है वो बनाया जा रहा है, पीछे भी हमारी गंदम जो है वो खड़ी है और साथ जो है मैं आपको दिखाता जाऊँ कि वो दूसरी तरफ जो है वो गंदम तैयार हो चुकी है, ठीक है। और तैयार होने का मतलब यही है यार, ईद के दिन जो है वो गुजर जाएंगे, उसके बाद जो है वो कटाइयाँ फुल तैयार हो जाएंगी। हमारे बावल नगर और उसके बाद मिंचनाबाद इस तरह के जो इलाके हैं उधर जो है कटाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, बाकी बात करें हम तकरीबन बावलपुर और इस तरफ मुल्तान उधर भी जो है वो कटाइयाँ जो है वो शुरू हो चुकी हैं। अब जो है रेट पूरा खुल के सामने आ चुका है, क्योंकि जो गंदम जो है वो मंडियों में आने लग पड़ी है, और इधर जो है अभी गंदम ने रंग नहीं बदला, लेकिन उस तरफ जो है गंदम ने हमारे रंग जो है वो बदल लिया है, और उसके साथ जो है वो रेट जो है बोली पे जो लगता है गंदम का वो भी सामने आ चुका है। बाकी आज हम जो है इसी बात पे थोड़ा बहुत गपशप करेंगे। अब जो आप मेरे पीछे गंदम देख रहे हैं ये तकरीबन एक हफ़्ता मुश्किल से लेगी, ईद के दिन जो है वो गुजर जाएंगे, उसके बाद जो है ये कटाई होने लग पड़ेगी इसकी। और अगर हम बात करें गंदम के रेट की, तो हमारे जो पाकपतन में गंदम न्यू आई है बावल नगर या मिंचनाबाद की तरफ से, उसका रेट 3700 रुपये डन हो गया, ठीक है। 3700 कोई 3900 इस तरह के जो है ना दो तरफा जो रेट है वो चल पड़े हैं। तो आज की जो बोली है उसको लेकर हम चलते हैं आगे, क्योंकि गंदम जो है वो अब तैयार हो गई है पंजाब में, तकरीबन 70% जो है गंदम तैयार हो चुकी है हमारे पंजाब में, और इस बार सुना जा रहा है कि कास्ट जो है कास्ट वो डबल से ट्रिपल हुई हुई है पिछले सालों की निस्बत, और इसी वजह से जो है वो रेट भी थोड़ा बहुत टूट गया है, तकरीबन 1500-2000 जो है वो फ़र्क आ गया रेट में, इसलिए किसान जो है वो बहुत परेशान है। एक तो है हम गंदम जो है वो स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी जो है पावर ही नहीं होती, इतने खर्चे नहीं होते कि गंदम जो है वो हम रख सकें और इसको महंगे दामों में जो है वो बेच सकें। लेकिन इस बार जो है गवर्नमेंट ने किसानों के साथ बहुत बुरा किया है, ठीक है। ये तो हमने खाद जो है वो बहुत महंगी लेकर डाली है, ठीक है, जैसे कि हर बंदा किसान जो है वो परेशान रहा है कि खाद हम किधर से लाएं, खाद किधर से लाएं, पैसे हाथ में होते थे लेकिन खाद जो है वो हमें कोई नहीं देता था। इसी तरह जब DAP की बारी आई तो DAP जो है वो भी ऊपर चली गई थी, और जब ज़मीन बनाई है तब डीज़ल 300 रुपये था, अब तो डीज़ल भी टूट गया है, ठीक है, और उसके बाद जो है खाद वगैरह भी उस पर भी कंट्रोल हुआ है। लेकिन जब गंदम की कास्ट की जा रही थी, जब लगाया जा रहा था गंदम को, तो तब जो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत हाई लेवल पे थी, डीज़ल भी खादें भी और DAP और जो भी चीज़ें थी ना वो सारी हाई लेवल पे पहुंची हुई थी। अब जो है जब रेट हमने सुना है 3700 या 3900 रुपये, ये दो रेट चले हैं मंडी में, तो हर बंदा जो है वो बहुत परेशान हो चुका है एक बार कि इस बार हमारे साथ होने क्या जा रहा है। सुना था कि 4500 रुपये रेट होगा, तो किसान जो है वो बहुत खुश थे, यार इतना रेट बहुत है 4500 ना हो 4000 तकरीबन रेट जो है वो होना चाहिए हमारे पंजाब की गंदम का, लेकिन इस बार जो है गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया बिल्कुल भी। और ये जो है पैसा कौन कमाएगा, सिर्फ स्टाकिया कमाएगा जो हमसे गंदम खरीद के रखेगा, ठीक है, वही बंदा जो है वो पैसा कमाएगा, क्योंकि किसान के पास इतनी पावर नहीं है कि वो अपनी गंदम जो है वो स्टोर कर सके। अब जो है माशाल्लाह गंदम की कटाइयाँ जो है वो और चंद दिन एक हफ़्ता लेंगी, हमारे पूरे एरिया में जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी ऑल टू ऑल। बाकी आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे अभी रंग नहीं चेंज हुआ, लेकिन कहीं कहीं पे गंदम जो है वो माशाल्लाह से सुनहरी कलर जो है वो किया हुआ है, और इस सुनहरी कलर को देख के हमारे जो चेहरे हैं वो मुस्कुरा जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे साथ कुछ ना कुछ कोऑपरेट करे, ठीक है, या तो फिर खादों को नीचे ले आए, या फिर हमारी जो गंदम है उसके
रेट में तकरीबन 500-700 फ़र्क आना चाहिए, कम से कम 4000 के करीब जो है वो गंदम सेल होनी चाहिए, तब भी जाके कुछ बनता है, नहीं तो वरना कुछ नहीं बनता, क्योंकि रेट जो हमने सुना है वो बहुत कम है। कम से कम मुश्किल से 3000 तक गंदम का जो रेट है वो जा रहा है, नहीं तो 2800-2700 यहाँ पे जो है वो रेट आ रहा है। ये किसान की कमर तोड़ देगा अगर इसी तरह रेट चला तो, ठीक है। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि जो गंदम है उसको बर्फ़ से, मतलब कि जो गोले पड़ते हैं जिसको हम कहते हैं कि यार बर्फ़बारी होगी हमारी तरफ, गोले पड़ गए, ओले पड़ गए हैं, तो कहीं कहीं पे जो है वो ओले भी पड़े हैं, ठीक है, और उनका जो है वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इसीलिए कहीं कहीं पे जो है वो गंदम जो है वो बहुत अच्छी खड़ी है। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप सब भाई जो है इस व्लॉग को लाजमी शेयर करेंगे, ताकि भाई सब कोई ना कोई तो हमारा आसरा हो,